हेलो एवरीवन, वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहां पर लाइव जुड़े हुए हैं आप सभी के फेवरेट सेशन में, फेवरेट क्लास में। सो वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एक बार फिर से आप सभी का, स्वागत है आप सभी के फेवरेट क्लास में। तो भाई तैयारी सब पर भारी चल रही है समय MTS की, तो सबसे पहले हम लोग जुड़ते हैं यहाँ पर, सेशन को लाइक शेयर कर देते हैं। जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दो, स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हमारी जो बाकी की क्लासेस चल रही हैं वो इस समय कौन से प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं, किस टाइमिंग पर चल रही हैं, वो भी मैं आप लोग को अभी बताऊंगी। तो सारा शेड्यूल आप लोग नोट डाउन करो और तैयारी एकदम अच्छे तरीके से शुरू कर दो भैया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और आपका जो एग्ज़ाम है वो भी अपकमिंग है। सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, CHSL, CGL, MTS सारे ही आ रहे हैं हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो रेगुलर अगर क्लासेस आप लोग करेंगे डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा आप लोग के लिए। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से सारे लोग सेशन को लाइक शेयर कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं हमारे साथ फटाफट। सेशन शुरू होते ही 500 से ज़्यादा लोग लाइव भी हो चुके हैं हमारे साथ, फटाफट से जल्दी सेशन को लाइक शेयर करो, स्टार्ट करते हैं, ओके। और आज हम इसके बाद वाली जो क्लास होगी 10 बजे, उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊँगी। तो जल्दी से टाइमिंग वगैरह सारा नोट डाउन करके रखिए आप लोग, ठीक है। तो ये आप लोग का टाइमिंग है इस चैनल का, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए भाई, नोट डाउन करो जल्दी से। क्या यहाँ पर है आपका चैनल, यहाँ पे जो आपका टाइमिंग है वो क्या है चेक कर लीजिए। चलिए, टेलीग्राम पे आपका जो क्लास है ना 9 बजे रात को रहता है, सुबह में रहता है 10 बजे, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, इस वाईफाई स्टडी चैनल पर रात को हमारी क्लास रहती है जो 9 बजे अभी चल रही है, सुबह में 10 बजे रहती है। दो क्लासेज चल रही हैं और अभी सबसे टॉप की जो क्लासेज है हमारी वो चल रही हैं ये आपकी अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर इस समय बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं क्लासेस करवा रही हूँ, टॉपिक वाइज भी करवा रही हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर भी करवा रही हूँ, एक्सपेक्टेड पेपर भी, और स्पीड बूस्टर सेशन भी। जिनको स्पीड अपनी बढ़ानी हो, जिनकी स्पीड कम है रीजनिंग में, तो वो लोग यहाँ पर स्पीड बढ़ाने के लिए स्पीड बूस्टर सेशन अटेंड कर सकते हैं। टाइमिंग क्या है नोट डाउन कर लो। सबसे पहले डेली लगती है आपकी क्लासेस, सुबह सुबह 11 बजे लगती है, शाम को 4 बजे लगती है, रात को 10 बजे इसी के तुरंत बाद रहती है, ठीक है। और एक लगती है रात को 11 बजे के टाइमिंग में, 11 बजे वाला स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है, डोज। और आपका ये 10 बजे वाला टॉपिक वाला रहता है, 11 बजे एक्सपेक्टेड पेपर। सब लोग रितिका 10 कोड लगा के ज्वाइन कर सकते हो, नाम मेरा ये है अनअकैडमी पे, आप लोग डायरेक्टली इस नाम से भी ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात, आप लोग ये टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, यहाँ भी आपको हर क्लास का लिंक मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है या किसी भी क्लास का लिंक है तो वो मैं यहीं पर डाल देती हूँ पहले ही क्लास शुरू होने के पहले। और 10 बजे वाली जो क्लास है उसका डायरेक्ट लिंक भी आपको मैं दे देती हूँ, प्रोवाइड करवा देती हूँ। देखो भाई ये है, दिख रहा होगा सभी को, 10 PM क्लास देख रहा है मेरा वीडियो, वैसे ही आपके मोबाइल में भी चल रहा होगा। लाइव चैटिंग जहां आप कर रहे हो, आप लोग कमेंट्स कर रहे हो, वहीं पे ऊपर लिंक लगा हुआ है ब्लू कलर का। जैसे ही 10 बजेंगे हमारी क्लास स्टार्ट होगी और आप इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली 10 बजे वाले क्लास में जा सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आपका डेली लिंक आपको यहीं पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और यहाँ इस टेलीग्राम पे भी। तो आप लोग इसको ज्वाइन करो जल्दी से जल्दी जितना हो, और फ्री क्लासेस का हिस्सा ज़रूर बनिए। इस समय ही इतनी क्लासेस चल रही हैं, ऐसे चलती नहीं है, डेली एक या दो ही क्लासेस चलती हैं इस समय, इसलिए इतनी चल रही हैं बिकॉज पेपर आ रहे हैं। तो मैं पढ़ा रही हूँ टॉपिक वाइज ताकि आपका निकल जाए पेपर, ठीक है। तो थोड़ा सा तुम लोग भी कृपा करो अपने खुद के ऊपर, सारे एजुकेटर्स की क्लासेस तो लगी रही हैं, सैटरडे संडे भी अपन नहीं छोड़ रहे, ठीक है। तो आप लोग भी पढ़ाई करिए, थोड़ा मेहनत करिए, ओके। अच्छा, और रितिका 10 कोड लगा दीजिएगा भाई फ्री क्लास को स्टार्ट करने के लिए, और 20% डिस्काउंट भी है अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, कॉइन्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी रेडी वाला कमेंट कर दो, स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत मैं करूँगी। यहाँ पे 10 बजे का आज का टॉपिक क्या वो भी बताने वाली हूँ। चलो चलो शुरू हो जाओ जल्दी, और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना सेशन को। 10 बजे आज आप लोग का फेवरेट टॉपिक स्टार्ट करने वाले अपन, पता है, जो आप लोग बहुत दिन से कह रहे हो मैम हमसे नहीं बनता है, हमसे नहीं बनता है, तो वही हम लोग अपने 10 बजे वाले क्लास में आज आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सीरीज मिसिंग नंबर्स, ठीक है। चलिए ओके, चलो आज तो पेपर करना है बेटा, पेपर करेंगे फटाफट से। चलिए आज तो अपन सेट करने वाले हैं अपना पूरा तैयारी MTS पर भारी, स्टार्ट करिए। यहाँ पे आपको ये बताना है, कल मैंने ट्राइंगल्स कराया था आपको, रिवाइज कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना है यहाँ पर कि आपका जो यहाँ पे लाइंस हैं स्ट्रेट वाली वो कितनी बन रही हैं, चेक करिए, ठीक है। हाँ, स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे कितनी बन रही है वो चेक करके बताओ। चलो
हो गया। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ट्राइंगल नहीं बताना है, क्वेश्चन पढ़ लिया करो। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग सवाल ही नहीं पढ़ते, ट्राइंगल निकालने लग जाते हैं। इसमें पता चला ट्राइंगल पूछा नहीं था हम लोग, उसे स्ट्रेट लाइन्स पूछा था यहाँ पे। ठीक है, तो बताओ भैया कितना बनेगा यहाँ पे, चेक करें। देखो अरे यार, यहाँ पे सबसे पहले आप ऐसे वाली लाइन्स को गिनो, है ना, वर्टिकल वाली लाइन्स को। ये देखो, ये आपकी वर्टिकल लाइन्स तीन हो गई, दो हॉरिजेंटल लाइन है, वन एंड टू, कितनी हो गई, पाँच हो गई टोटल। फिर ये आपके दो डायगोनल्स हैं, छः सात, और दो डायगोनल्स आपके ये वाले भी हैं, आठ और नौ। टोटल मिलाकर यहाँ पे आपके पास नौ स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। ठीक है, जिन्होंने नौ पे आंसर किया होगा, बहुत बढ़िया। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। ठीक है, चलो आपको यहाँ पर बताना है कि जो यहाँ पे आपका सेट दिया गया है ये वाला लेफ्ट साइड में, वैसा ही ऑप्शन में दूसरा सेट ढूंढना है। बताइए तो फिर क्या आंसर होगा इसका। हो गया, हाँ, टॉपिक वाइज फ्री क्लासेस है, इसी के बाद जो लगती है ना वो टॉपिक वाइज क्लास है, 10 बजे वाली फ्री क्लासेस है। जितनी भी मैंने अपनी अनअकैडमी की क्लासेस बताई हैं वो सभी फ्री हैं। 7 और 5 गाइस, यहाँ 12 होता है, 12 का अगर डबल कर दे तो फिर 24 आता है कि नहीं आता है? उसी तरीके से पहला वाला 12 + 8 बराबर कितने होते हैं, 20 होते हैं, 20 का भी डबल कर देंगे तो 40 हो जाता है, है ना। जितनी भी मैंने अभी क्लासेस का टाइमिंग्स बताया था अनअकैडमी का, सुबह 11 बजे, शाम के 4 बजे, इसी के बाद टॉपिक वाइज रात को 10 बजे, और 11 बजे स्पीड बूस्टर सेशन, सब फ्री हैं, फ्री क्लासेस हैं। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलो यहाँ पे बताओ, 23 2023 का 3 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2003 का कैलेंडर आपके आने वाले कौन से साल में रिपीट होगा वो पूछा जा रहा है, बताओ इसमें क्या आंसर बनेगा, चेक करो। चलो सबसे पहले पता है इसमें एक ट्रिक लगती है, कैलेंडर पढ़ाते समय कई बार बताया भी है कि यहाँ पे एक ट्रिक वर्क करती है। ठीक है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे देखना है, सबसे पहले चेक करना है कि यहाँ पे ये कौन सा साल पूछा जा रहा है। जो पूछा जा रहा है वो क्या लीप ईयर है, पहले चेक करो इसमें, जो साल आपसे पूछा जा रहा है क्या वो लीप ईयर है, नहीं है ना। जो साल पूछा जा रहा है वो लीप ईयर नहीं है, अगर लीप ईयर होता तो 28 ईयर्स के बाद रिपीट होता। अगर लीप ईयर के तुरंत बाद वाला साल होता तो वो 6 साल के बाद रिपीट होता, और अगर लीप ईयर के 2 साल बाद या 3 साल बाद का कैलेंडर है तो वो 11 साल के बाद रिपीट होता है। ये तीनों ट्रिक्स आपको कई बार बताई गई हैं, लिख लीजिए चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लिख लिया। तो क्या ये लीप ईयर है? नहीं है, 4 से डिवाइड तो हो नहीं रहा। क्या लीप ईयर के तुरंत बाद वाला साल है? वो भी नहीं है, ये लीप ईयर के 3 साल बाद वाला साल है, क्योंकि 2003 लिखा है तो 2003 लीप ईयर रहा होगा, ये लीप ईयर के 3 साल बाद वाला है, तो उसके लिए अपन 11 जोड़ देना, तो 2003 में 11 जोड़ दो भैया, तो 2014 में जाके रिपीट हो जाएगा ये, है ना, ये रहा, बताओ। ठीक है, हाँ, अच्छा एक चीज़ और बताइए, जैसे मान लो आप लोगों ने ये ट्रिक्स लिख ली, ठीक है, तो अब आप बताओ, जैसे अभी अपना चल रहा है, मान लीजिए 2023 चल रहा है, ठीक है, तो 2023 का कैलेंडर कौन से साल में जाके रिपीट होगा, बताओ, बता सकते हो? क्या है 2020 लीप ईयर था, 23 लीप ईयर नहीं है, तो 2023 में भी 11 जोड़ेंगे, यस डेफिनेटली, तो इसमें भी 11 जोड़ दो, तो 2034 में जो कैलेंडर होगा ना वो अभी वाला बिल्कुल सेम रहेगा, अभी वाला बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोग सीख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, चलिए, अच्छा एक चीज़ और आगे बता दूँ, आज आप लोग का जो है ना वो सीरीज एंड मिसिंग नंबर्स, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते ना मैडम, बहुत प्रॉब्लम आती है, मिसिंग और सीरीज बेसिक अप्रोच बताऊंगी, सीरीज एंड मिसिंग नंबर्स ज्वाइन कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सेशन है, और सबसे ज़्यादा सवाल आपको पता है सीरीज मिसिंग नंबर्स से आते ही हैं पेपर में। ठीक है, 5 से 6 नंबर का सवाल आता है, तो इसके बाद वाली क्लास में आज ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग रेडी रहिएगा 10 PM आज हमारी जो क्लास है वो आप लोग सीरीज एंड मिसिंग नंबर्स टॉपिक पढ़ सकते हैं हमारे साथ, लिंक यहाँ पे लगी हुई है, 10 PM इसी के बाद अनअकैडमी पर फ्री क्लास। ठीक है, टॉपिक मैंने आपको बता दिया है सीरीज एंड मिसिंग नंबर्स, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है ना, इसके बाद जो क्लास है अनअकैडमी पर फ्री है, सीरीज मिसिंग नंबर आज टॉपिक है, मोस्ट वांटेड, आप लोग कहते हो ये बनता नहीं है, ये कम से कम 6 नंबर का मान लो यहाँ से आएगा ही आएगा पेपर में,
मिनिमम है ये, मिनिमम 6 मार्क्स का तो आएगा ही, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम लोग करेंगे 10 बजे वाले क्लास में, भूलना नहीं, ठीक है। तो आज याद रखिएगा, ओके। तो ज़रा आप लोग इधर बताओ क्या होगा, पढ़ो और आंसर करिए। बातचीत नहीं करिए, आंसर करिए। बन गया होगा ये, तो हो गया। देखो, जियोलॉजी रॉक्स से, पत्थरों के बारे में जो भी डिस्कशन, जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो वो रॉक्स के बारे में पढ़ाई, ठीक है। और साइटोलॉजी का रिलेशन होता है स्टडी ऑफ सेल, मैंने कल परसों पढ़ाया भी था, जब मैंने आप लोगों को वो वाला क्वेश्चन पढ़ाया था, हिज स्टडी ऑफ टिश्यूज़ के बारे में, स्टडी ऑफ सेल यानी कोशिका विज्ञान को हम लोग कहते हैं, साइटोलॉजी सेल्स के बारे में आएगा, सेकेंड वाला इसका आंसर होगा। मैंने कल परसों आपको एक सवाल पढ़ाया था, स्टडी ऑफ टिश्यूज़, टिश्यूज़ वाला बताओ कौन सा था। फिर उसी में मैंने ये भी पढ़ाया था कि सेल वालों को क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो साइटोलॉजी इज रिलेटेड टू सेल्स, इसमें सेकेंड आंसर बनेगा, ठीक है। टिश्यू वाला बताओ क्या था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो, याद नहीं है, है ना, याद है टिश्यू वाला, कि टिश्यू विज्ञान जिसको बोलते हैं, उत्तक विज्ञान, उसको क्या कहते थे इंग्लिश में, हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी मैंने जब पढ़ा है तो आपको सेल वाला बताया था, तो ये बनना चाहिए था, ठीक है, हिस्टोलॉजी, ठीक है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, स्क्वायर्स। अब यार कल परसों स्क्वायर भी सिखाया है, ट्राइंगल भी सिखाया है, तो इसमें स्क्वायर्स वाली बता दीजिए क्या होगी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है कि इसमें स्क्वायर्स की संख्या कितनी आ रही है, चेक करिए। हाँ, हिस्टोलॉजी पढ़ाया था तो आप लोगों को सेल वाला भी याद होगा, उसी के साथ मैंने सेल वाला भी आप लोगों को करवा दिया था, ठीक है। हाँ, ब्लड से रिलेटेड हेमाटोलॉजी, वो तो इजी होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन आता है ना उसमें, वो तो इजी होता है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उस शब्द से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, तो हमें थोड़ा अलग से याद करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 72, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप बड़े वाले में लगाओगे ट्रिक, जो आपका बड़ा वाला स्क्वायर है, सबसे पहले तो उसी में लगा लीजिए, है ना। 1, 2, 3, 4, 4 रो है 4 कॉलम है, तो कितना हो गया, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 30। फिर सेम यही वाला मेथड आप इसमें भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी सेम है, 4 रो है 4 कॉलम है, बराबर है, तो 30 यहाँ से आएगा। अब सिंगल सिंगल वाले काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ये हो गए, और यहाँ पर हमें हिडन वाले भी काउंट करने पड़ेंगे, तो हिडन वाले भी काउंट कर लो, ठीक है। इसमें तो हिडन भी बन रहे हैं ना, ये देखो, एक तो ये वाला बनेगा पूरा हिडन वाला, बताया था जहाँ पे अगर जॉइंट होते हैं आपस में वहीं पे हिडन वाले बनते हैं, ये वाला एक बन जाएगा, एक आपका ये बनेगा, ठीक है, और एक आपका ये बनेगा, 4 हिडन बन रहे हैं। जब आप फाइनली इसको काउंट करोगे तो 72 बताएगा ये, ठीक है, ओके, ठीक है ना, चलिए, रेडी, समझ में आया यहाँ पे। हाँ, तो इसको 72 पे टिक करना, बिल्कुल इसका आंसर 72 है, ठीक है। और रिवाइज़ कर लिया करो, जो चीज़ें पढ़ चुके होते हैं उनको रिवाइज़ किया करो थोड़ा। चलो, यहाँ पे सीक्वेंस में लगाओ इस वाले क्वेश्चन को,
हो गया शिशु, पहले सबसे पहले शिशु आता है फिर चाइल्ड आता है, सबसे पहले शिशु आएगा उसके बाद बच्चा, फिर उसको पढ़ाई करवाएंगे, फिर नौकरी दिलवाएंगे, फिर लास्ट में शादी, ठीक है? तो ये आंसर बनेगा। ओके नेक्स्ट, अगर आज मंगलवार है सपोज दैट 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा बताइए। बन गया? तो यार दिन वाला जब भी क्वेश्चन आता है, मैंने आपको कई बार बताया आप उसे 7 से डिवाइड किया करो, शेष दिन निकालोगे कि नहीं निकालोगे? यहाँ 56 चले गए, शेष दिन 6 बचे, तो वही आंसर आएगा जो मंगलवार में 6 जोड़ने के बाद आएगा। मंगलवार में 6 जोड़ो आगे तो सोमवार बन जाएगा, ऐसे मंडे आंसर, ठीक है? चलो कोई बात नहीं है, इस वाले का आंसर बताइए। ट्राइंगल्स कितने, कल ही पढ़ाया था ट्राइंगल, गलत मत करना, कल ही ट्राइंगल पढ़ाया बिल्कुल बेसिक से इसी वाले क्लास में 9 बजे रात को, ठीक है? तो गलत मत करिएगा। तो गाइज़ आप लोग के डबल डबल धमाल, कहते हैं ना जैसे डबल धमाल पिक्चर है, तो वैसे डबल धमाल टॉपिक भी चल रहे हैं ये 9 बजे वाले में भी, इसी के तुरंत बाद 10 बजे भी आपकी क्लासेस, वहाँ पे भी टॉपिक ही चल रहा है। आज का टॉपिक है सीरीज़ एंड मिसिंग नंबर्स, नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर्स, लुप्त संख्याएँ, ठीक है? तो ज्वाइन करिएगा, भूलना नहीं है ना, ये है, ठीक है? यहाँ पे ये लिंक दिया गया है 10 बजे वाले क्लास का, अनअकैडमी पर है, बिल्कुल फ्री क्लास है, सारे लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा जो जो चैप्टर्स देखो, जो मेनली वो चैप्टर्स अभी करवाए जा रहे हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछता है, जहाँ से कम 5 से 6 नंबर का एग्ज़ाम में पूछता है, वही वाले सवाल अभी सबसे ज़्यादा करवाए जा रहे हैं, वही वाले टॉपिक सबसे ज़्यादा करवाए जा रहे हैं अभी, ठीक है? बन गया यहाँ से, देखो यहाँ से तो आप लोगों का 10 बनेगा, दिख रहा होगा ये, मैंने कहा था बेस पर काउंट किया करो, जितने पार्ट्स हैं उनको जोड़ लिया करो, 4 पार्ट्स हैं चारों को जोड़ेंगे 10 आएगा, ये तो सबको पता है, ठीक है? देखो जब आपका ऐसा ट्राइंगल हो, उसमें ऐसी वर्टिकल लाइन्स हो, तो उसके टुकड़े जितने होते हैं उन टुकड़ों को हम जोड़ लेते हैं, उतने ही वहाँ ट्राइंगल्स निकलते हैं, गिन के देख लो 1 2 3, ऐसे यहाँ पर 10 हो गया, ठीक? यहाँ से भी 10, यहाँ से भी 10, तो टोटल कितने मिलेंगे 30, ऐसे यहाँ से भी 30 मिल जाएंगे, यहाँ से भी 30, ठीक है? फिर यहाँ से कितने मिलेंगे, 3, 3 इधर से, 3 इधर से, 3 इधर से, 9 यहाँ से हो गए, सिंगल सिंगल वाले काउंट करो, 1 2 3 4, 4 ये हो गए। अब पहले तो इतने काउंट कर लो कितने हो गए टोटल, तीनों साइड से 30 90 प्लस 9 प्लस 4, इतने आ गए थे, यानी कि 103, ठीक है? 103 है ना, हाँ। ओके नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब बड़े बड़े वाले और रह गए, हिडन वाले, उसको काउंट कर लीजिए, एक आपका ये वाला रहेगा और एक आपका ये, तीनों को मिलाकर आ रहा है और एक सबसे बड़ा वाला, तो सबसे बड़ा वाला शायद आप लोग भूल गए, इसीलिए 105 आ रहा था आंसर, इसका 106 आएगा, ठीक है? ठीक है, हो जाएगा, क्लियर है, बन जाएगा सभी से 105 वालों का शायद उन्होंने बड़ा वाला नहीं काउंट किया जो सबसे बड़ा वाला बन रहा था, ठीक है? चलिए ओके, ये फिगर इन चारों में से कहाँ पर एम्बेडेड है वो बताना है, ये फिगर इन चारों में से कहाँ पर एम्बेडेड है वो बताना है। बताइए भाई, सीधा सीधा आना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, पहले वाले में ही आ रहा है, राइट? है ना, पहले वाले में ही आ रहा है ये, देखो, और किसी में तो आने टेढ़ा नहीं होना चाहिए लाइन, ठीक है? लाइन पहले वाले में ही आ रहा है, है ना? ओके चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाला आएगा अलग वाला ऑप्शन, चेक करो।
बी में कहाँ आ रहा है भाई, एक मिनट रुको, डाउट क्लियर करने दो। बी में आ रहा है, बी में कहाँ है, किसको दिखाई दे रहा है बी में भाई, बी वाले में किसको दिखाई दे रहा है? बी वाले में ये नीचे वाली लाइन नहीं है भाई, बी वाले में ये नीचे वाली लाइन गायब है, नहीं बनेगा बी, पहला ही बन रहा है। इतना भी नहीं, इतना भी एकदम अलग कुछ करने की ज़िंदगी में कोशिश मत करो। चल, ये है मदन मोहन मालवीय, ये हैं लता मंगेशकर जी, ये पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी, और ये है ध्यानचंद। इनमें से लता मंगेशकर नहीं, ध्यानचंद जी अलग हैं, बिकॉज आप लोग जो मेल फीमेल वाला लॉजिक लगा रहे हो वो यहाँ नहीं लगेगा। ध्यानचंद इसीलिए अलग हैं क्योंकि ये इन्हें भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है, बाकी सभी को इसमें मिल चुका है। ठीक है, चलो लास्ट वाले में भी टेढ़ा बन रहा था, नहीं बनेगा। ओके, इस वाले क्वेश्चन को करिए। हो गया, आप यहाँ पर आना चाहिए 20, ठीक है 20 आना चाहिए, 20 इन दोनों को जोड़कर तो आएगा नहीं, जोड़कर तो 35 आ रहा है, घटा कर देखें, ठीक है घटा के देखोगे तो 5 का जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है। सेम इधर भी माइनस करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सभी में सेम से होना चाहिए। जैसे यहाँ आप घटाओगे तो 31 का भी जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/24, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। एक निश्चित तरीके से सभी एक जैसे हैं, एक अलग वाला ऑप्शन है यहाँ पे, चेक करें कौन सा है। जोड़ने पे आ रहे थे ना, देखो 5 = 2 + 3, ए बराबर बी प्लस सी, ऐसे आ रहा है, 3 = 1 + 2, ठीक है 7 = 3 + 4, ये पहले वाले में नहीं बन रहा है, 9 ≠ 5 + 3, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा पहला वाला, जस्ट ऐड करके नहीं आ रहा था, है ना। ओके, यहाँ पर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग चेक करिए। ये सारे टॉपिक्स जितने भी पेपर, फोल्डिंग, कटिंग, क्लॉक, कैलेंडर, रॉडर, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, कई कई बार रिपीटेडली बार बार मैं करवा रही हूँ इसके बाद वाले क्लास में, ठीक है, ताकि यहाँ पे भी टॉपिक्स हो जाएं आपके और 10 बजे वाले में भी कवर हो जाएं। आज का टॉपिक है 10 PM वाले में सीरीज़ एंड मिसिंग नंबर्स, ठीक है 6 मार्क्स का आता है पेपर में, 5 से 6 मार्क्स का, ठीक है। सीरीज़ है और मिसिंग नंबर्स है ना, सीरीज़ नहीं बनती है मैडम, मिसिंग नंबर नहीं बनता है, वही आज याद रखिएगा इसके बाद वाले क्लास में। ओके, देखो जहाँ जहाँ लाइन है बताया गया था इसका ट्रिक फॉर्मूला, वहीं पे आप मिरर इमेज बना दो बस उसका, ठीक है। ये वाली भी लाइन है तो इन दोनों सर्कल्स की मिरर इमेज यहाँ बन जाएगी, एक ये लाइन है ये भी मिरर है, इन दोनों की यहाँ बन जाएगी। कौन सा ऑप्शन आ रहा है ऐसा? और कोई नहीं, सिर्फ पहला वाला। बी वाले में चारों तरफ कट है इसलिए गलत है बी वाला, बी वाले के जो पॉइंट्स आ रहे हैं उसमें चारों तरफ कट आ रहा है इसलिए थोड़ा सा गलत है, वैसे तो सही था, ठीक है सही है, हाँ हो गया ना। तो सीरीज़ एंड मिसिंग नंबर्स के लिए कितने लोग रेडी हैं एक बार बता देना, 10 PM का लिंक भी आप लोगों को मैं बता दूँ कहाँ है आपका, ये दिया है आपके कमेंट सेक्शन पे जहाँ आप कमेंट्स कर रहे हो लाइव लाइव, ठीक है लाइव जहाँ आप लोग कमेंट्स कर रहे हो वहीं पे लगा हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो आप लोग फटाफट से इस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा, अदरवाइज टेलीग्राम से भी आपको लिंक मिल जाएगा रितिका तोमर ऑफिशियल से, ठीक है सारे लोग ज्वाइन करिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ बिल्कुल अपन बेसिक्स भी करेंगे, ठीक है। चलिए, यस रेडी, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, मोमेंटम में से कौन सा लगे, चेक करें। कोई बात नहीं अंकिता जी, डेली रेगुलर क्लास करिए, आ जाएगा, ठीक है।
अंकिता जी डेली क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दो, सब बनने लगेगा, डोंट वरी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर है, बाकी सारे वेक्टर क्वांटिटी। अदिश और सदिश राशि, एक मिनट, कुछ लोगों को ए और सी एक जैसे दिख रहे हैं। आंखें खोलो, चश्मे को साफ करो, छींटे मारो नींद में हो तो, है ना। आप कहोगे मैडम ऐसे बोलती हैं, कहाँ सेम है भाई, यहाँ देखो कटिंग इस तरफ है, ठीक है, यहाँ देखो कटिंग इस तरफ आ रही, कहाँ सेम तुम लोगों को लग रहा है, तुम लोगों को सब सेम ही लगते हैं, नहीं अच्छे तरीके से देखो भाई, सेम नहीं है, अलग है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, ओके। इसका बताइए, हो गया। हेड का कोड 37 है, पहले तो इसके सारे प्लेस वैल्यू लिख कर देखो, प्लेस वैल्यू से ही कुछ ना कुछ रिलेटेड नंबर बनता है, ठीक है। कोडिंग भी 10 बजे वाले में 2 दिन से चल रहा था, राइट, तो इन सभी को जोड़ो आप लोग, कितना आएगा 18, डबल करिए कितना होता है 36 प्लस 1, ठीक है, डबल करके प्लस 1 किया गया है, तो इधर भी आप लोग जब सबको जोड़ेंगे काइट का प्लेस वैल्यू तो आपका आएगा 11 9 20 और 5, सभी को ऐड करें, डबल करें और प्लस 1 करें, कितना आएगा 91, ऐड करके डबल करके प्लस 1 किया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। लाइक कर दो पहले तो आप, मैं तभी आगे अगले क्वेश्चन पे चलूँगी, सारे लोग लाइक करो फटाफट से, जल्दी से तुरंत। लाइक करो जल्दी से तुरंत तुरंत सारे लोग, चलो डन करो फटाफट। हाँ चलिए, बन गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ये बताइए भाई, कितने इस परिवार में पुरुष सदस्य हैं, चेक करो। हो गया यार, एक आदमी था, ये भी नहीं आ रहा तो क्या ही आएगा फिर, तुम लोगों से रहने दो। उसके 3 बेटे थे, हर बेटे के परिवार में 5-5 बेटे, यानी 15 ही हो गए, टोटल ऐड करो कितने आएंगे 90। अब इसमें भी कुछ नहीं बन रहा है तो फिर क्या ही यार, रीजनिंग तो फिर ऐसे नहीं बनेगी ना। चलो यहाँ पर बताइए, कितने आपके पास क्यूब्स आ रहे हैं, चेक करिए। सब पढ़ाया जा रहा है भाई, फिगर इगर इगर फिगर सब पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। बस फ़र्क इतना ही है, कुछ लोग डेली क्लास अटेंड करते हैं तो बनता है, कुछ लोग कभी कभी आते तो आपको ऐसा लगता है नहीं कराया गया, बहुत बार पढ़ाया गया सब कुछ, इस क्लास में भी, इसके बाद वाली भी, 10 बजे वाली भी, महीनों से चल रही हैं, सालों से चल रही हैं, सब पढ़ाया जा रहा है, अटेंड करा करो डेली, ठीक है। हो गया, कितना बनेगा देखो, 1 2 3, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, 9 हो गए, ये तो सीधे सीधे दिख रहे थे, है ना। अच्छा यहाँ पर अगर आपका मान लो ये वाला क्यूब है, इसको मैंने नाम दे दिया मान लो ए, ठीक है, तो ये चौथे फिगर पे ऊपर बना है ना, फोर्थ पोजीशन पे, चौथे पे बना, इसके नीचे भी 3 क्यूब्स और होंगे थोड़े पीछे की साइड पे, ठीक है, तो 4 हो गए। यहाँ पर भी बी है तो ये भी 4 हो जाएंगे। ये वाला 5वें माले पे बना है, वही है 5वें वाले बिल्डिंग पे बना है, मान लो 5वें वाले पे बना है, तो वो 5वां माला ऐसा तो है नहीं कि हवा में लटक रहा होगा, उसके नीचे भी 4 होंगे बेसिक पे, पर जो बस हमें जो दिखते नहीं है वही हमें बताना है, इतना ही दिमाग लगाना है, जितने सामने दिख रहे हैं वो तो सब बता देगा ना, जो नहीं दिख रहे वही बताने वाली बात है, तो हमने इनको भी ऐड कर लिया 5 को, टोटल 22 आएगा इसमें, ठीक है। ओके चलो
ठीक है ओके नेक्स्ट वाले पे आना इसका आंसर बताइए डाइस का क्वेश्चन, डाइस तो अपन ने बहुत बार पढ़ रखा है ना, बताइए चार के विपरीत पूछा है यहाँ पे, ठीक है चार के विपरीत, ठीक है हाँ चार के विपरीत पूछा है तो इन दोनों में कॉमन ढूंढो, पहले कॉमन कौन सा है, टू है ना कॉमन, तो यार रूल भी बताया था अभी 3-4 दिन पहले ही पढ़ा ये वाला चैप्टर 10 बजे वाले में रात को, क्या रूल बताया, जब सिंगल संख्या कॉमन होती है सिंगल वैल्यू तो उसके विपरीत वो संख्या होती है जो वहां से गायब है, 6 है 3 है 5 है 1 है 4 नहीं था तो 4 आएगा, 4 का पूछा गया था वैसे भी इस सवाल में, 4 का बताओ तो 2 आएगा, 2 का 4 और 4 का 2, ठीक है एक दूसरे के विपरीत आ गए ओके नेक्स्ट। हाँ आज 10 बजे वाली इसी के बाद है, 10 तो बजने दो, अरे यार तुम लोग भी ना फ्री वाली 10 बजे वाली इसी के बाद है, आज का टॉपिक है सीरीज एंड मिसिंग नंबर्स बेसिक ट्रिक्स ओके, फ्री वाला क्लास इसी के बाद है ठीक है, ऐप पर लगेगा डोंट वरी परेशान नहीं होइए, 10 तो बजने दो, फिर ये है ये लिंक लगा हुआ है ठीक है, ऊपर से क्लिक इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन करेगा, जहाँ आप लाइव आंसर दे रहे हो ना वहीं पे ऊपर लगा रहता है डेली लिंक, यार ये सारे आप लोगों ने नाम ज़रूर सुने होंगे, सारे के सारे हमारे देश के ही अवार्ड्स हैं, फेमस अवार्ड्स हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये वाला अवार्ड है जो किसी भी सिविलियन को नहीं दिया जाता है, सिर्फ आर्मी के ही सदस्यों के लिए स्पेशली होता है 4th वाला, है ना सही बात है ना, तो सिर्फ ठीक है हाँ। चलो अमन रोहेला भाई थोड़ा नया ट्रिक्स लेकर आओ ठीक है, अमन रोहेला जी आप जो ट्रिक्स फॉलो कर रहे हैं वो पुरानी हो चुकी हैं बहुत यार, वो बहुत पुरानी हो गई है ना, अपन तो 8-10, 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं रेगुलर, ये तो तुम ट्रिक्स लगा रहे हो बहुत पुरानी ट्रिक्स है ठीक है, थोड़ी नई ट्रिक लेकर आओ ठीक है अमन रोहिला भाई, ताकि पता चले कि लाइव वीडियो है या रिकॉर्डेड वीडियो, थोड़ा नया लेके आओ भाई, डेट क्या पूछ रहे हो ठीक है, थोड़ा कुछ नया लेके आओ, जितना तुम्हारा दिमाग जहाँ सोचना बंद करते हो ना वहाँ से मैं चालू कर देती हूँ ठीक है, तो पूरे टाइम ये पता करने से बेटर कि लाइव है या रिकॉर्डेड है, गधों की तरह बेटर है कि पढ़ाई कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, चाहे रिकॉर्डेड हो या लाइव हो पढ़ना तो है ना, पढ़ोगे तो ठीक है, अब पता चल गया लाइव है या रिकॉर्डेड है, गधा गधों की तरह ये सवाल करना बंद कर दो, और ये जो ट्रिक्स है ना वो पुरानी हो गई, बहुत नई ट्रिक्स कुछ लेकर आओ डेट पूछने वाली ठीक है मेरे भाई, चलो और मैं बता दूं कि कैसे पता करते हैं, लाइव लिखा आता है ऊपर जब वीडियो चल रहा होता है साइड में लाइव लिखा आता है रेड कलर से, और जब रिकॉर्डेड चल रहा होता है तो प्रीमियर लिखा आता है, समझ जाए करो उसमें छुपाने वाली क्या बात है यार, है ना बेवकूफ। चलो एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये वाला डन हो गया, इसमें थोड़ा सा देख लो टाइम मैंने इसलिए दिया ताकि आप लोग इसमें कर पाएँ, ईजी था वैसे
ठीक है, बन गया ये वाला। क्या आ रहा है, एम आ रहा है, क्या आ रहा है, चलिए देखें इसको, ये तो आसान था ना। चलो ये हो गया। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ नहीं मैं देखती हूँ यार, देखो पहले मैं 40 मिनट तक देख रही थी वही मैसेज मैं इग्नोर करती हूँ, जब बहुत अति हो जाती तभी किसी चीज़ का रिप्लाई करती हूँ मैं, है ना, वरना मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है किसी की बेइज्जती करने का, ठीक है। एक्चुअल में इतनी मेहनत से पढ़ाओ, है ना, रात को 3-3 घंटे अपनी नींद हराम करके 9 बजे 10 बजे 11 बजे उसमें भी ये सब सुनने को मिलता है ना, है ना, रिकॉर्डेड है फलाना ढिकाना, तो दिमाग ख़राब होता है इसीलिए, ठीक है। बेवकूफ़ खुद भी नहीं पढ़ेंगे, किसी को पढ़ने भी नहीं देंगे। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 25वां अक्षर जो होता है ना वो आपका होता है वाई, सॉरी चलिए इधर बताइए, और उसके भी बाएँ, बायाँ माने इस तरफ, राइट माने आगे पीछे की तरफ है ये, राइट। तो जब पीछे हम जा रहे हैं तो माइनस करेंगे यार, 22वां अक्षर 25 में से 22 घटा दो, तीसरे अक्षर पे पहुंच गए, तीसरा अक्षर सी होता है, उसके दाहिने यानी राइट साइड पर 8वां, तो जोड़ दो 8, फिर 11वें पे पहुंच जाएंगे, 11वां लेटर के होता है भैया, भूलना नहीं, ठीक है। चलो के पे आ जाएंगे यहाँ पे, है ना, बाएँ मतलब पीछे की साइड, राइट मतलब दाएँ की साइड, याद रखना ये वाली साइड हमेशा लेफ्ट होती है, ये वाली राइट होती है। चलो इसको बताना भैया, ग्यारह तारीख को सोमवार है, 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, इसे तो उंगलियों पे काउंट कर लो, पेन की क्या ज़रूरत है, बढ़ाया है कई बार, सेम डे आएगा, 11 में 7 जोड़ेंगे, 7 दिन के बाद सेम डे पड़ता है, याद रखो, है ना। तो 11 7 जोड़ा 18, 18 में 7 जोड़ा 25, 25 तारीख को भी वही दिन होगा सेम टू सेम, ठीक है। लो बताओ, ऐसे सॉल्व हो गया है तो देख कर ही, चलो इसको बताओ। हाँ दिल्ली पुलिस के लिए इसी को कर लो मेरे भाई, इसी क्लास को कर सकते हो, इसके बाद वाली भी कर सकते हो, 10 बजे वाली भी। चलिए तो बन गया होगा गाइस, इसमें क्या था। ओके तो यहाँ पर आप लोगों को चेक करना था, पहले वाले में जो है वो आपका देखो इसमें लास्ट वाले में डिज़ाइन गलत बनी हुई है, इसमें लाइंस गलत बनी हुई है, और यहाँ पर जो पॉइंट है ना वो गलत बना है पहले वाले में, तो सी इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब दर्पण में कुछ लोगों को पता है क्या रहता है कि दर्पण इस तरफ है या इस तरफ है, किसी भी साइड लगाओ आंसर सेम आएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करिएगा, यहाँ पर बताइए ट्रायंगल, कर ही पढ़ाया था ट्रायंगल, गलत मत करना आज यार, कल इसी क्लास में पढ़ाया था। ऐसे कोई एक बात बताऊँ आप लोगों को, जैसे आप लोगों की कोई क्लास निकल जाती है, जैसे आप कह रहे पासा लेकर आओ, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया था, तो अगर कुछ क्लास आपकी निकल जाती है परेशान मत हुआ करो, है ना, आप लोग कभी कभी आते हो तो इस चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट बनी होती है मेरे नाम से, ठीक है, रितिका तोमर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, यानी अगर आपका कोई वीडियो निकल गया तो आप वापस से जाके वहाँ प्लेलिस्ट में से पढ़ सकते हैं,
क्योंकि जब आप अपन अगली बार करेंगे तब तक का थोड़ा वेट कर लो, नहीं तो फिर प्लेलिस्ट में से आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ 22 या 24, चलो देख लेते हैं। इसमें पहले यहाँ से तो 8 मिलेंगे, कल ही पढ़ा था हम लोगों ने बड़े वाले में से, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ यहाँ पे बड़े वाले ही काउंट होंगे, ध्यान रखिएगा। ये जो है ना नंबर ऑफ पार्ट्स का डबल करेंगे, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ से आपको 8 मिलेंगे, नीचे वाले से 8 मिलेंगे, कितने मिल गए 16 मिल गए। लेकिन सिर्फ बड़े काउंट हुए तो छोटे नहीं काउंट हुए, ये वाला रह गया है, ये रह गया, ये वाला रह गया, ये वाला रह गया, ये वाला रह गया है, ये रह गया है, ये रह गया है, तो 6 और एक्स्ट्रा में रह गए थे, यानी कि 22 आएगा, 24 नहीं आएगा, 22 आएगा इसका आंसर, ठीक है भैया, है ना, ओके। तो इसमें आप लोग 22 पे टिक करिएगा, 22 वाला आंसर सही है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, ये बताओ यार। हाँ 18 नहीं है, 22 है। हाँ पर डे आती है क्लासेस, ये वाली डेली आती है, रात को 9 बजे आती है, और इसी के बाद बस अभी 10 बजे वाली हम स्टार्ट ही करने वाले हैं, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं अमन भाई, आराम से पढ़ाई करिए, ठीक है, चलिए कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, सॉरी। चलिए देखिए यहाँ पर विबग्योर वाला लॉजिक आप लगा सकते थे, कोई बात नहीं अमन भाई, आराम से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं, मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, आराम से पढ़ाई करो बच्चे, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई क्लास, थैंक यू सो मच। चल क्या है इसमें, पिंक कलर नहीं आ रहा है, देख लो विबग्योर में, इंद्रधनुष के जो 7 प्राइमरी कलर्स होते हैं उसमें पिंक नहीं आता, वायलेट आता है, इंडिगो आता है, ब्लू आता है, ग्रीन आता है, येलो आता है, ऑरेंज आता है, रेड आता है, पिंक कलर नहीं आता, पिंक को अलग कर दीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके नेक्स्ट वन। हाँ पर डे आती है, पर डे मतलब पर डे डेली। चलो इनमें से लीप ईयर कौन सा है फटाक से बता दो, जो 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है सिर्फ 1988, और कोई डिवाइड नहीं होता 4 से, तो यही लीप ईयर होगा, बाकी कोई होगा नहीं। हाँ और यहाँ पे बताओ भाई, भारतीय फीमेल्स एंड वोटर्स, हाँ 10 बजे वाली ऐप वाली क्लास है, 10 बजे ऐप पे क्लास लगती है, अनअकैडमी पे फ्री वाली, 10 बजे वाली, आज का टॉपिक है सीरीज एंड मिसिंग नंबर्स, ठीक है, अभी 10 मिनट्स बाद से स्टार्ट करेंगे। ये लिंक लगा हुआ है जहाँ आप कमेंट्स कर रहे हैं ना, यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, चेक करिए, ये लगा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है, इस पर क्लिक करके सीधे ऐप पर जुड़ सकते हैं आप, फ्री क्लास है, सारे लोग अटेंड कर सकते हो, डेली लगती है टॉपिक वाइज फ्री क्लास ऐप पर, इसी के तुरंत बाद 10 बजे से रोज़ाना। आज का टॉपिक है सीरीज एंड मिसिंग नंबर्स, हो गया। यार इंडियन सारे फीमेल थोड़ी होते, कुछ ही होते हैं, और जितने भी फीमेल्स हैं सारे वोटर नहीं होते, कुछ होते हैं, तो ये वाला बनेगा इसका आंसर, पढ़ाया गया है काफ़ी बार आपको, ठीक है। चलिए ओके नेक्स्ट, यहाँ पर से अलग वाला ऑप्शन कौन सा होगा बताना एक बार, इसको ऐसा बना लेना, ठीक है, देखो आप यहाँ पे मान लो आप प्लेस वैल्यू के हिसाब से कोई लॉजिक लगाओगे तो लगेगा नहीं, मैं लिख भी देती हूँ, ये 9 नंबर, ये 23 नंबर, स्क्वायर वाला लॉजिक भी नहीं लगेगा क्योंकि क्यूब तो खैर यहाँ पे कोई नहीं है स्क्वायर, ठीक है, 1 और 9 दोनों स्क्वायर है, नहीं लगेगा, प्राइम नंबर्स 11 भी है 23 भी है, नहीं लगेगा, तो कोई लॉजिक लग ही नहीं रहा है, तो फिर लाइंस वाला लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो ए को बनाने के लिए 3 लाइंस की ज़रूरत पड़ रही है, ये आपकी 3 लाइन, के को बनाने के लिए ये भी आपकी 3 लाइंस, W के लिए 4 लाइंस की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है,
तो यहाँ पर डब्ल्यू अलग है। नेक्स्ट क्लास ऐप पर होती है, यूट्यूब पर नहीं होती, ऐप पर होती है, अनअकैडमी पर होती है, ठीक है। अनअकैडमी फ्री ऐप है, लर्निंग ऐप पर होती है, यूट्यूब पर नहीं होती है। हाँ, अभाज्य दो संख्याएं हैं, अभाज्य वाला लॉजिक नहीं लगेगा भाई, ठीक है। सी अभाज्य नहीं है, सारे अभाज्य हैं, 11 और 23 दोनों अभाज्य हैं। सी अभाज्य नहीं है, सी, अरे यार सी को अभाज्य बता रहे हो, सी तो 9 है, 9 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, अभाज्य थोड़ी होगा। अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी में भी डिवाइड ना हो, 9 तो 3 से डिवाइड हो ही रहा है तो वो कैसे अभाज्य हो जाएगा, है ना। टिकट किसके लिए लगता है इनमें से? ट्रेन के लिए लगता है, ऑब्वियस सी बात है, बाकी किसी के लिए टिकट तो लगता नहीं है। चलो इसको बताओ, एंड्रू साइमन, स्प्रेटली, आजकल क्रिकेट का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, डेविड वॉर्नर, माइकल क्लार्क, कौन सा अलग होगा इसमें बताइएगा। हाँ अंकिता जी, अगर क्लास लाइव नहीं दिखती है तो एक काम कर लो, डायरेक्टली जो ये लिंक दिया है ना उस पर क्लिक कर लो, क्लास ओपन हो जाएगी ये वाले लिंक से भी, या फिर ऐप पर, ठीक है, हाँ, या फिर डायरेक्टली ऐप पर जुड़ जाओ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है रितिका तोमर ऑफिशियल, वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ भी डायरेक्टली आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है, या फिर यहाँ से ये जो लिंक लगी हुई है ना आपके, जहाँ आंसर्स कर रहे हो वहाँ पे भी लिंक पे क्लिक करके क्लास ओपन हो जाती है। सिर्फ ये आपके लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है इसीलिए अलग है, बाकी सब ये सिर्फ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। एक मिनट यार, मैंने बताया था, कुछ लोग समझे नहीं इस सवाल को, इसी में अटक के रह गए कुछ लोग। 9 के अलावा सारे अभाज्य हैं, गलत बोल रहे हो यार, ये 9 है, ठीक है, ये आपका क्या 11 है, ये 23 है और ये 1 है। कुछ लोग बोल रहे हैं 9 के अलावा सभी अभाज्य, गलत, 1 अभाज्य नहीं होता है, 1 इज़ अ नेचुरल नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 सबसे विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो अभाज्य इसमें सिर्फ दो संख्याएं हैं जो कि ये दोनों हैं, बाकी कोई नहीं है, इतना ही नहीं मालूम है, दिन भर गणित रटते रहते हैं, ये नहीं पता कि एक क्या है, ठीक है, इसमें सिर्फ 2 हैं, बाकी कोई नहीं, 1 तो सबसे रहता है, ठीक है, 1 तो सबसे डिवाइडेड होता है। चलो ओके, इस वाले को बताओ, सारे इंग्लिश वाले लिखे थे, बताया था इंग्लिश वाले में क्या लॉजिक लगाते हैं, सारे इंग्लिश वाले लेटर्स लिखे थे, इंग्लिश वाले में क्या लॉजिक लगाते हैं बताया था ना, वॉवल्स वाला लॉजिक, याद है, यहाँ पे 2 वॉवल्स हैं, यहाँ एक है, यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं, एक यू है, एक आई है, तो सिर्फ ये वाला अलग होगा आपका, ठीक है। ये वाला बताएं, मेल फीमेल का लॉजिक तब लगाते जब वहाँ पे हिंदी भी लिखी होती, ठीक है, मेल फीमेल का लॉजिक तब लगाते जब वहाँ हिंदी लिखी होती है ना, हिंदी नहीं लिखी है ना, तो फिर वो वाला लॉजिक। हाउस के अंदर गार्डन, ठीक है, घर के अंदर होता है किचन और गार्डन, बोथ अलग अलग, ठीक है, और गार्डन बाहर आता है, ठीक है, ये हाउस आएगा, हाउस के अंदर किचन आएगा, गार्डन आएगा, डिफरेंट, सी आंसर होगा इसका। गार्डन भले किचन गार्डन हो लेकिन वो होता घर के बाहर ही है, कमरे के अंदर गार्डन नहीं बना सकते, है ना, ठीक है,
तो घर के अंदर किचन, गार्डन बाहर। पता चला घर के अंदर ही गार्डन बना दिया। वायलिन, फ्लूट, पियानो और हारमोनियम। बता दिया क्रिकेट वाला क्वेश्चन, उसमें लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन वाला बताया था। वॉर्नर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, बताया था मैंने। सारे फ्लूट को छोड़कर सारे के सारे हाथ से बजाने वाले हैं। ये है वायलिन, ये पियानो, ये फ्लूट, ये हारमोनियम। केवल ये माउथ ऑर्गन है, बाकी सारे हाथ से बजाने वाले। ठीक है, चलेगा इस। तो इसको और करिएगा, इसको होमवर्क में लिख लो, इसके बाद का अगले क्लास में करेंगे, कल इसी टाइमिंग पे 9 बजे। ठीक है, ये इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी अभी हम अगली क्लास करने जा रहे हैं, 10 बजे से फ्री है, ऐप पर लगेगी, अनअकैडमी पर। आज का टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज एंड मिसिंग नंबर। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के कुछ तरीके हैं, मैं बता देती हूँ, 2-3 तरीके हैं। तो सारा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पेपर में कम से कम 6 नंबर का आता है, 6 मार्क्स का। ऐप पर क्लास है, फ्री है, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लिंक, सबसे पहला लिंक यहाँ लगा हुआ है, जहाँ आप लोग आंसर्स कर रहे हैं वहाँ पे लिंक लगा हुआ है, दिख रहा है नीले कलर में, ऊपर पिनअप है, उसको क्लिक कर लो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, इस पर क्लिक कर लीजिए। दूसरा तरीका आप लोग का ये है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल, ये है हमारा टेलीग्राम ऐप। चलाते हो ना आप सभी लोग, आजकल तो सब चलाते हैं। तो टेलीग्राम पे सर्च करो, रितिका तोमर ऑफिशियल मेरा चैनल है, वहीं आप ज्वाइन करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगी, अभी मैं शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, और अगर कोड पूछता है, सपोज दैट कुछ लोग पहली बार ऐप पर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो कोड अगर पूछे तो रितिका टेन ये लगा सकते हो कोड, RITIKA मेरा नाम, 10 स्पेस नहीं देना है, रितिका टेन कोड है क्लास में ज्वाइन करने के लिए। क्लास फ्री है, लेकिन एक कोड पूछेगा तो ये लगा सकते हो आप। ठीक है, सारे लोग ज्वाइन करिए, इससे भी बेस्ट हम लोग वहाँ पे क्लास करते हैं जैसे यहाँ करते हैं, इससे भी बेस्ट वाली वहाँ पे करते हैं, क्योंकि वहाँ पोल सिस्टम रहता है, उससे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती है। तो आज का टॉपिक है आप लोग का सीरीज एंड मिसिंग नंबर्स, एक बार फिर से बता दूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग अभी तुरंत से इस लिंक पर क्लिक करें एंड ज्वाइन करें, ये रहा। ठीक है, और मैंने बता ही दिया है टेलीग्राम पर आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, ये आपका टेलीग्राम है। ठीक है, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा लिंक। ठीक है ना, तो बाकी सारे स्टूडेंट ज्वाइन करो, ये वाली क्लास तो अपन कल करेंगे इसी टाइमिंग पे। ठीक है, और अभी आप लोगों का